ब्लॉग्स पे। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको बताऊंगा गोभी कैसे लगाएं, कब लगाएं, ताकि आपको डबल मुनाफा आप गोभी से कमा सके। दोस्तों गोभी तो दोस्तों साल के 12 महीने लगने लग गई है, क्योंकि आजकल बीज ही ऐसे हाइब्रिड आ चुके हैं जो साल के 12 महीने पौध गिरती है और साल के 12 महीने ही गोभी लगती है दोस्तों। लेकिन जिन भाइयों के खेत में पानी मीठा नहीं है, नमकीन पानी हो चुका है और वे फसल गोभी की करते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही कारगर साबित हो सकती है। आप वीडियो पूरी देखिएगा, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जो भाई गोभी लगाना चाहता है और उनके खेत में मीठा पानी नहीं है, पानी नमकीन हो चुका है, उनके लिए मैं आपको बताऊँगा कि कौन से टाइम में बीज डाले, कौन से टाइम में पनीरी तैयार करें और कब गोभी लगाए दोस्तों। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि आप मई महीने की 27 तारीख से लेकर और जून महीने की 2-3 तारीख लग पनीरी डाल सकते हैं दोस्तों। इसके लिए मैं आपको कुछ बीज बताता हूं, जैसे कि आप 15-22 का बीज डाल सकते हैं, सुपर सिगरा का बीज डाल सकते हैं, इसके अलावा दामनी भी आप डाल सकते हैं। ये तीनों बीज हाइब्रिड बीज है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के बीज माने जाते हैं दोस्तों। बाकी आप अपने एरिया के हिसाब से बीज डाल सकते हैं। बीज जब आपकी पनीरी आप डाल दे, उसके 10-15 दिन के बाद आप अपने खेत के खत्ते बना दीजिए दोस्तों। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ खत्ते बनाने के लिए, क्योंकि उस टाइम मौसम ख़राब होता चला जाता है दोस्तों, और मान लीजिए दो तीन दिन में बारिश होती रहती है, तो अपने खेत के खत्ते आप पहले बना देंगे तो जब पनीरी तैयार हो जाएगी तो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा कि कब मौसम खुले, कब हम खत्ते बनाए, कब ज़मीन सूखे। तो गोभी की जो पनीरी तैयार होने के बाद गोभी लगाने का टाइम है, वो टाइम है जुलाई महीना और जून महीना दोस्तों। इन महीनों में आप गोभी लगाएंगे तो आपको भाव भी डबल मिलेंगे दोस्तों, और आपकी गोभी बहुत अच्छी ग्रोथ करेगी और बहुत ही हैवी फूल आएंगे गोभी में दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करें, बेल आइकन को ऑन करके रखें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके दोस्तों।